दोस्तों एयरटेल की 5G सर्विस आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी में देखने को मिल रही है। और अगर आप रिलायंस जियो के यूजर हैं तो रिलायंस जियो की 5G सर्विस दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वाराणसी, चेन्नई और नाथद्वारा इन शहरों में देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर आपके स्मार्टफोन 5G सपोर्ट करता है लेकिन 5G सिग्नल आप इन शहर में होने के बावजूद भी नहीं दिखा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपके स्मार्टफोन में 5G का जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो अभी यहाँ पर जो है नहीं आया है। जैसे ही इस OTA अपडेट आपके स्मार्टफोन पर इंस्टॉल हो जाएगा तो आप अपने स्मार्टफोन में 5G अनुभव कर पाएंगे और 5G स्पीड का आनंद ले पाएंगे। और इन शहरों में आपको ये स्पीड देखने को मिल रही है। सर्दी के मौसम में कोई भी यहाँ पर जो है ठंडा पानी यहाँ पर जो है यूज़ करना पसंद नहीं करता। तो दोस्तों 1500 रुपये में ई कॉमर्स वेबसाइट से आप एक ऐसा हीटर यहाँ पर जो है गीज़र वगैरह खरीद सकते हैं जिसको आपको अपने नल की टोंटी पर लगा देना है। और नल की टोंटी पर लगाने के बाद आपकी टोंटी से यहाँ पर जो है गर्म पानी आपको मिल जाएगा। 1500 रुपये से आप इसे अमेजोन की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों नोकिया कंपनी ने भारत में एक नया स्मार्टफोन 5G लॉन्च कर दिया है और ये स्मार्टफोन है नोकिया G60। दोस्तों नोकिया G60 में यहाँ पर जो है 6.58 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। फुल HD रिजोल्यूशन में आपको देखने को मिलता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसमें दी गई है। 5G यहाँ पर जो है गोरिल्ला ग्लास के साथ इसमें आपको प्रोटेक्शन आपको मिलता है। दोस्तों हैंडसेट में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। मेन कैमरा जो मिलता है वो 50 मेगापिक्सल का आपको मिलता है। दूसरा जो कैमरा मिलता है वह 5 मेगापिक्सल का और तीसरा कैमरा मिलता है वह 2 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलता है। सेल्फी के लिए आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 वाला प्रोसेसर इसमें दिया गया है। 6 GB की रैम और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। 4500 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। 20 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ ये बैटरी इसमें मिलती है। एंड्रॉयड 12 यहाँ पर जो है काम करेगा। तो BSNL कंपनी ने 1198 रुपये में एक रिचार्ज प्लान लॉन्च कर दिया है जिसके यहाँ पर जो है 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलती है, यानी 365 दिन की वैलिडिटी मिल रही है। और 3 GB इसमें आपको इंटरनेट मिलेगा पूरे 1 साल के लिए और 300 मिनट की आप इसमें कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं और 30 SMS इसमें आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों इस प्लान का सबसे ज़्यादा फायदा उस यूज़र को होने वाला है जिसको अपना नंबर 1 साल के लिए चालू करना है, यानी उसको बार बार रिचार्ज करवाने की जरूरत नहीं है। रेडमी कंपनी ने एक नया स्मार्ट टीवी लॉन्च किया है जो 86 इंच की बहुत ही बड़ी डिस्प्ले के साथ आपको देखने को मिल रहा है। और इस स्मार्ट टीवी का नाम है रेडमी स्मार्ट टीवी X86 और इसमें 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले इसमें मिलती है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। 86 इंच की बहुत ही बड़ी डिस्प्ले इसमें आपको मिलती है। और दोस्तों इसमें यहाँ पर आपको 1 बिलियन कलर यहाँ पर जो है इस टीवी में दिए गए हैं। ब्लूटूथ इसमें आप कनेक्ट कर पाएंगे। सिंगल USB 3 पॉइंट और USB 2 दो पोर्ट यहाँ पर जो है HDMI के दो पोर्ट मिलते हैं। और दोस्तों 10 वाट के बहुत ही तेज़ अच्छे आवाज़ वाले स्पीकर स्मार्ट टीवी में दिए गए हैं। और 2 GB की रैम मिलेगी। 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। क्वाड कोर का प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिल रहा है। और रेडमी स्मार्ट टीवी X86 की कीमत भारत के हिसाब से यहाँ पर आपको 57,000 रुपये देखने को मिल रही है। आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको रियलमी के स्मार्टफोन खरीदना पसंद है तो Realme 9 यहाँ पर जो है स्मार्टफोन पर बेहद ही ज़्यादा यहाँ पर जो है छूट देखने को मिल रही है। आप फ्लिपकार्ट पर जाइए और Realme 9 यहाँ पर जो है सर्च कीजिए तो आपको भारी डिस्काउंट यहाँ पर जो है कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। और दोस्तों बात करें रियलमी के यहाँ पर जो है 6 GB रैम और 128 GB वेरियंट की तो ये आपको 20,000 रुपये है लेकिन आपको 15,000 रुपये में देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% तक का डिस्काउंट और देखने को मिल सकता है। सिटी के यहाँ पर जो है कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपको 1500 रुपये यहाँ पर जो है छूट मिल जाएगी। दोस्तों रियलमी 9 के स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो 6.4 इंच की फुल HD डिस्प्ले इसमें मिलती है। AMOLED डिस्प्ले मिलती है तो डिस्प्ले इसमें काफ़ी शानदार है। 6 GB की रैम मिल रही है। 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है। 256 GB तक आप इसे बढ़ा सकते हैं। 108 मेगापिक्सल का बहुत ही बड़ा कैमरा दिया गया है। 8 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा और 2 मेगापिक्सल का तीसरा कैमरा पीछे की तरफ आपको मिलता है। और सेल्फी और वीडियो कॉलिंग करने के लिए आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 680 वाला प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिल रहा है। और ये स्मार्टफोन 20,000 रुपये की बजाय 15,000 रुपये में आपको फ्लिपकार्ट पर भारी छूट के साथ देखने को मिल रहा है। और अगर आप कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको और भी छूट देखने को मिल जाए। इन्फिनिक्स कंपनी ने भारत में लॉन्च कर दिया है 5G नया स्मार्टफोन। और दोस्तों इस स्मार्टफोन का नाम है इन्फिनिक्स हॉट 20 5G। ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर जो है 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आपको मिलता है। 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले इसमें आपको दी गई है तो डिस्प्ले इसमें आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। 6.66 इंच की डिस्प्ले इसमें आपको मिलती है। 4 GB की रैम दी गई है। MediaTek का डायमेंसिटी वाला 810 वाला प्रोसेसर इसमें मिलता है। 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा।
5000 mAh की बड़ी बैटरी इसमें आपको मिलती है और ये एक 5G स्मार्टफोन है। इन्फिनिक्स और 20 यहाँ पर जो है भारत में लॉन्च हो चुका है। इन्फिनिक्स कंपनी यहाँ पर जो है अच्छा स्मार्टफोन लेकर आई है जो 5G भी यहाँ पर आपको मिल रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त फीचर आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल रहे हैं। हर काम के लिए क्या आप भी इस्तेमाल करते हैं गूगल, गूगल से यहाँ पर जो है अपने सवाल जवाब करते हैं, गूगल पर यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं। लेकिन अगर आप बैंकिंग और UPI पेमेंट वगैरह का इस्तेमाल इसके बारे में गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है बेहद सचेत यहाँ पर जो है रहकर इस कार्य को करना है, क्योंकि गूगल पर यहाँ पर जो है सही जानकारी कभी कभार नहीं होती है, फेक वेबसाइट या फेक लिंक वगैरह भी आपको देखने को मिल सकता है। तो साइबर सुरक्षा की दृष्टि की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि गूगल पर ऐसी चीज़ बिल्कुल भी सर्च ना करें। बैंकिंग का इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर से जो एप्लीकेशन है उस बैंक की उसी का इस्तेमाल करें, किसी और यहाँ पर जो है लिंक वगैरह का ब्राउज़र का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों रियलमी कंपनी भारत की अपनी कंपनी यहाँ पर जो है ला रही है एक बेहद ही यहाँ पर जो है खूबसूरत दिखने वाला स्मार्टफोन जो 20,000 रुपए की प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलेगा। Realme 10 यहाँ पर जो है इस स्मार्टफोन का नाम हो सकता है। इसमें 4GB की रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल सकता है। 8GB की रैम भी इसमें आपको देखने को मिल सकती है और ये 20,000 रुपए का तकरीबन आपको देखने को मिल जाएगा। तो Redmi 10 में स्मार्टफोन में 6.4 इंच की डिस्प्ले में मिल सकती है, AMOLED डिस्प्ले में आपको मिल सकती है और 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। Realme 10 स्मार्टफोन के MediaTek का Helio G99 वाला प्रोसेसर में आपको मिलेगा। 5000 mAh की बड़ी बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको मिल सकती है। कैमरे की बात करेंगे तो 50MP का कैमरा मिल सकता है पीछे की तरफ मेन कैमरा, और सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का मेन कैमरा आपको फ्रंट पैनल पर देखने को मिल सकता है। 8MP या 2MP का दूसरा या तीसरा कैमरा आपको इस तरह से देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन बेहद ही शानदार डिजाइन में दिखाई दे रहा है, ऐसा इस तस्वीर जो सामने आई है इसे के जरिए मैं आपको बता। दोस्तों क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है, आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया है, तो इसका बेहद ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। जिस व्यक्ति ने आपको लगता है कि आपको ब्लॉक किया है आपका मोबाइल नंबर, तो आप उस व्यक्ति को कॉल कीजिए। अगर वह कॉल करने पर बार बार बिजी बताता है तो आपका उस व्यक्ति ने नंबर ब्लॉक कर दिया है। दूसरा तरीका आपको यह हो सकता है कि आपको उस व्यक्ति को यहाँ पर जो है SMS करना है। अगर उस व्यक्ति के ऐसे मोबाइल पर SMS डिलीवरी नहीं होता, डिलीवर आता है लिखा हुआ, तो उस व्यक्ति ने आपका नंबर यहाँ पर जो है ब्लॉक कर दिया है, ना तो आप उसे कॉल कर पाएंगे और ना कोई मैसेज कर पाएंगे। तो ये सबसे आसान ट्रिक है अगर आपको जानना है कि आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है, तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं। व्हाट्सएप कंपनी आप लोगों के लिए नए नए फीचर लेकर आती रहती है, और जो आज फीचर बताने वाला हूँ उसमें सबसे पहला फीचर मिलता है वह प्रोफाइल फोटोज इन ग्रुप चैट्स। यहाँ पर आपको प्रोफाइल की जो फोटो है वो आपको ग्रुप चैट में देखने को मिलेगी। जैसा ग्रुप में 5 मेंबर है तो जिस व्यक्ति ने मैसेज किया उसका नाम के साथ उसका फोटो भी देखने को मिलेगा। तो ये फीचर यहाँ पर जो है व्हाट्सएप जल्दी लेकर आ रहा है। मीडिया ऑटो डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर व्हाट्सएप यूज करने वालों के लिए भी मीडिया यहाँ पर जो है ऑटो डाउनलोड करने की अनुमति यहाँ पर जो है मिल जाएगी, और मीडिया बिना यहाँ पर जो है कैप्शन के भी आप फॉरवर्ड कर पाएंगे, तो ये भी आपको मिलने वाला है। ब्लर टूल यहाँ पर जो है एक नई चीज़ आपको मिलेगी जिसमें आप फोटो वीडियो वगैरह को ब्लर आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों ये खास फीचर आपको व्हाट्सएप जल्दी लेकर आने वाला है भारत में, इस व्हाट्सएप यूजर के लिए फीचर जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे।